Good morning, students. Today we will discuss about digits. ये हमारा टॉपिक है digits हमारा यूनिट 5 में. आज हम digits के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले digits पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि digits होता क्या है. What is digits? Basically digits जो है वो एक written order होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू होता है, जो कि कमांड करता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए फॉर इंडियन सिटीजन. अगर उनका कोई फंडामेंटल राइट हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, मतलब कहने का कि अगर किसी भी इंडियन सिटीजन का या किसी भी सिटीजन का अगर फंडामेंटल राइट है, उसका कहीं पर वायलेशन हो रहा है, उस केस में एक पर्सन को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है. जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हम क्या रेट को बोल सकते हैं यहाँ पर, या रेट को बोलेंगे जो कि इश्यूड होती हैं फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उस केस में उस पर्सन के पास या उस सिटीजन के पास एक राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, जो कि हमने अपने फंडामेंटल राइट में हमारा सिक्स राइट होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो उसमें एक ये रिट्स आती हैं कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी ऐसा एक कमांड या एक रिटन ऑर्डर इशू करता है अगर इन केस किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है. आर्टिकल 32 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या कह डील करता है किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ, कि इंडियन सिटीजन के पास एक राइट है वो सीक कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से अगर उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है. ठीक है, वही आर्टिकल 32 ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास पावर है कि वो रिट इशू करे फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट, जबकि हाई कोर्ट के पास जो पावर है रिट्स इशू करने के लिए वो अंडर आर्टिकल 226 आता है. तो 226 में अगर हम बात करेंगे कि एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स के लिए जो रिट्स इशू करता है वो हाई कोर्ट के पास पावर है और सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 30. अब आती है बात की टाइप्स ऑफ रिट. हमारे इंडिया में रिट्स के प्रकार कितने होते हैं तो आपको सबको पता ही, आपने पढ़े भी हैं. तो ये हमारे पास पांच तरीके की रिट्स होती हैं. जब हम बात करते हैं रिट्स की तो पांच तरीके की रिट्स होती हैं. सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो है उसको फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर माना गया है, क्योंकि इंडियन सिटीजन को हमारे फंडामेंटल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, उसका डिफेंडर या उसका गार्जियन माना गया है. उसके लिए उसके पास बहुत सारी ओरिजिनल और वाइड पावर्स भी हैं. और ये पांच तरीके की रिट्स जो है इंडिया मतलब एनफोर्समेंट के लिए इशू कर सकता है. जैसे कि जिसमें हमारी पांच तरीके की क्या क्या आ रही है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी और को वारंटो. ठीक है, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है. पहले अब बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की. हैबियस कॉर्पस इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी बोलते हैं. तो मतलब जो ये वर्ड है हैबियस कॉर्पस, इसका लैटिन वर्ड या इसका जो लिटरल मीनिंग है उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि मतलब जो पर्सन है उसकी बॉडी या उसका मतलब प्रत्यक्षीकरण हो. मतलब तो जो ये रिट है बेसिकली यूज की जाती है फंडामेंटल राइट, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कोई सिटीजन है अगर उसकी लिबर्टी, ये रिट जो है इन्फोर्स की जाती है कि मतलब ये रिट जो इशू की जाती है या यूज की जाती है फॉर दी एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन या ऑफ एनी एन इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, कि अगर किसी पर्सन का अनलॉफुल डिटेंशन किया गया है तो उसमें जो उसकी लिबर्टी है, उसकी जो पर्सनल इंडिविजुअल जो उसकी लिबर्टी है, उसका जो फंडामेंटल राइट है उसको इन्फोर्स करने के लिए बेसिकली ये इन्फोर्स की जाती है या इशू की जाती है. हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है ऑर्डर करता है एक एक पर्सन को जिसने एक पर्सन दूसरे पर्सन को अरेस्ट किया है कि भाई वो उस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है तो आप उसको प्रेजेंट करें बिफोर दी कोर्ट. ठीक है, तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसके फैक्ट्स से रिलेटेड क्या क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इस तरीके की रिट यानी हैबियस कॉर्पस रिट जो है प्राइवेट और पब्लिक अथॉरिटीज दोनों के अगेंस्ट इशू कर सकता है. ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट के अगेंस्ट ही कर सकता है या ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक के अगेंस्ट कर सकता है, वो दोनों तरीके की अथॉरिटीज के अगेंस्ट इस रिट को इशू कर सकता है. ठीक है, हैबियस कॉर्पस कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पर ये रिट जो है मतलब इशू नहीं की जा सकती. जैसे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल, अगर डिटेंशन लॉफुल किया गया है तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं है हैबियस कॉर्पस की, हैबियस कॉर्पस रिट इशू करने की. ठीक है, अगर प्रोसीडिंग जो है अगर किसी लेजिस्लेचर या कोर्ट के कंटेंट के लिए की गई है तब भी उसमें हमें हैबियस कॉर्पस की ज़रूरत नहीं है.
अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा डिटेंशन किया गया है, क्योंकि वो कंपिटेंसी है, मतलब उसमें अनलॉफुल डिटेंशन आपका है ही नहीं, डिटेंशन जो है वो लॉफुल किया जा रहा है, तो उस केस में हैबियस कॉर्पस की जो रिट है वो इशू नहीं की जा सकती। और अगर डिटेंशन जो है किसी भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर किया जा रहा है, तो उस केस में भी हैबियस कॉर्पस जो है रिट इशू नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आता है मैंडमस। मैंडमस का लिटरल मीनिंग मतलब ही कमान, मतलब हम आदेश देते हैं। तो बेसिकली जो ये रिट है, ये कोर्ट जो इशू करता है या कोर्ट के द्वारा जो यूज की जाती है, क्यों की जाती है, टू ऑर्डर द पब्लिक ऑफिशियल। अगर कोई एक पब्लिक ऑफिशियल एक पर्सन है जो अपना काम प्रॉपरली तरीके से नहीं कर पा रहा है या कर फेल हो गया है, और या फिर उसने उस जो उसकी ड्यूटी है उसको मना कर दिया है, तो उस अगर रिफ्यूज कर दिया है तो रिज्यूम हिज वर्क। इसलिए वो मतलब आदेश दिया जाता है कि अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया है अपनी ड्यूटी को प्रॉपर परफॉर्म करने से, या वो फेल हो गया है, कि तो वो अपना काम जो है उसको दोबारा रिज्यूम कर सके, दोबारा से शुरू कर सके। तो मतलब पब्लिक ऑफिशियल के अलावा मैंडमस जो है किसी भी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट, फॉर द सेम पर्पज ये इशू की जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसके इंडिया के कंटेक्स्ट में फिर हम मैंडमस को लेकर अगर बात करें, तो मैंडमस जो है किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं की जा सकती, बाकी सबके, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन होना चाहिए, इंपीरियल कोर्ट, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और जो कुछ ऐसे केसेस इसमें भी हैं जिसमें मैंडमस इशू नहीं किया जा सकता, जैसे कि अगर कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है, मतलब अगर डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को इन्फोर्स करना है जिनका कोई स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है, उस पर हम मैंडमस जो है रिट इशू नहीं कर सकते। किसी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी हम इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते, ना ये इंडियन प्रेसिडेंट और स्टेट गवर्नर्स के अगेंस्ट हो सकता है, और ना ही चीफ जस्टिस के अगेंस्ट किसी एक हाई कोर्ट के जो कि एक जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है। ठीक है, थर्ड वन आती है हमारी प्रोहिबिशन, जिसका लिटरल मीनिंग है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, फॉरबिड का मतलब होता है किसी बात की मनाही होना या वर्जित करना या डू नॉट अलाउ समथिंग, है ना। तो मतलब एक कोर्ट जो कि एक हायर पोजीशन में है या सुपीरियर कोर्ट है, वो अगर प्रोहिबिशन रिट इशू कर रहा है कोर्ट के अगेंस्ट जो कि लोअर कोर्ट को, टू प्रिवेंट द लेटर, कि मतलब जो बाद वाली है, यानी मींस जो इंपीरियर कोर्ट है या जो लोअर कोर्ट है उसको प्रिवेंट कर रहा है, वो उसको रोक रहा है किससे, फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, कि मतलब जो उसका ज्यूरिसडिक्शन है उस को बढ़ाने से वो उसको रोक रहा है। ठीक है, जैसे या फिर असर्व कर रहा है ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज मतलब जो उसके पास जो उसकी कैपेबिलिटी, जो उसका एरिया, जो उसका लिमिटेशन एरिया या उसका ज्यूरिसडिक्शन जो है ही नहीं, अगर वो उससे एक्सीड कर रहा है, तो वो उससे एक हायर कोर्ट जो है उसे लोअर कोर्ट को रोकती है कि भाई आपका ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो असर्व मतलब बेसिकली कि टेक इलीगली और बाय फोर्स, कि मतलब जो अपना पोजीशन का पावर या इम्पोर्टेंस इस तरीके की चीज़ें शो करके अपने जो ज्यूरिसडिक्शन को एक्सटेंड करते हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए प्रोहिबिशन, जैसे कि उसके नाम से ही पता लग रहा है, प्रोहिबिट कर देना, है ना। तो मतलब एक सुपीरियर कोर्ट जो है एक इंपीरियर कोर्ट को रोक रही है प्रोहिबिशन रिट अगेंस्ट, मतलब जो इशू करके, कि जिससे वो उसको रोक रही है कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन का जो है या उसको इलीगली एक्सरसाइज ना कर सके। ठीक है, तो अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में फिर हम इसकी बात करें, तो जो प्रोहिबिशन की रिट है वो केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ में ही इशू की जाती है। ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या फिर लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, इस तरीके की बॉडीज में इशू नहीं की जा सकती। ठीक है, अब आता है सर्टियोरी। इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना। जैसे आप सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं कि इट इज टू बी सर्टिफाइड कि फला फला आदमी को ये चीज़ मिली, तो इस तरीके की चीज़ें जो सर्चुरी है, जो इस तरीके की रिट है, इसका लिटरल मीनिंग होता है कि इसको सर्टिफाई किया गया है या इन्फॉर्म किया गया है। तो मतलब ये जो रिट है ये इशूड की जाती है एक कोर्ट के द्वारा या एक हायर कोर्ट के द्वारा जो कि अथॉरिटी में है, एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को, जिसमें वो ऑर्डर करती है एक लोअर कोर्ट को आइदर टू ट्रांसफर अ केस, या तो वो उस केस को ट्रांसफर करे जो उसके साथ पेंडिंग है, या फिर टू स्क्वैश देयर ऑर्डर इन अ केस, या फिर वो उसको स्क्वैश कर दे। ये जो है बेसिकली जो रिट है ये इशू की जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, या तो ज्यूरिसडिक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, या फिर कहीं पर एरर ऑफ लॉ है। तो ये इस ग्राउंड पे बेसिकली ये देखा जाता है
कि अगर कहीं पर एक्सेस ज्यूरिसडिक्शन है या कहीं पर लैक ज्यूरिसडिक्शन है या एरर ऑफ लॉ है, तो वहाँ पर ये हमारी सर्चवारी जो है इशू की जाती है। ये केवल प्रिवेंट इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स बट ऑल्सो क्योर्स फॉर द मिस्टेक्स इन द जुडिशियरी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये केवल रोकता ही है ये, बल्कि अगर जुडिशियरी में कोई मिस्टेक होती है तो उसको क्योर करने के भी काम ये रिट आती है। इसमें क्या है, 1991 से पहले की अगर हम स्टेटस की बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो जो ये रिट जो है 1991 से पहले क्यों यूज की जाती थी, केवल जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज और के लिए ही, मतलब स्पेशली यूज की जाती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में नहीं। लेकिन 1991 के बाद क्या स्थिति इसकी चेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने कि सर्चुअरी जो है वो इशूड हो सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी केस में किसी इंडिविजुअल के राइट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इशू नहीं की जा सकती किसी लेजिस्लेटिव बॉडी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट। ठीक है, अब आता है को वारंटो। को वारंटो का लिटरल मीनिंग है कि बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, मतलब किस किस पोजीशन से आप ये काम कर रहे हैं, है ना। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इशू करते हैं इस रिट को कि अगर इलीगल कहीं पर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है एक पब्लिक ऑफिस के द्वारा या एक पर्सन के द्वारा, कि मतलब भाई अगर किसी ने पोस्ट होल्ड की है तो वो उसका इलीगली कहीं पर यूज़ कर रहा है, तो बेसिकली उन चीज़ों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस तरीके की रिट जो है इशू करते हैं। तो इस रिट के अनुसार या इस रिट के द्वारा कोर्ट जो है इंक्वायर करती है लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस, कि मतलब एक पर्सन एक पब्लिक ऑफिस में काम कर रहा है वो किस अहदे पे है, तो मतलब उसकी लीगैलिटी को बेसिकली वो इंक्वायर करती है कोर्ट इस रिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इसमें हम फैक्ट इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये जो है केवल इशू किया जाता है कब, जब सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस ऑफ अ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व, कि जहाँ पर किसी स्टैट्यूट किसी एक्ट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोई पब्लिक ऑफिस परमानेंट कैरेक्टर के रूप में क्रिएट किया गया है। ठीक है, मतलब जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है या फिर कोई एक्ट इन्वॉल्व है वहाँ पर ये रिट जो है इशू की जाती है। ये किसी प्राइवेट और मिनिस्ट्रियल ऑफिस को इशू नहीं की जाएगी। अदर जो हमारी चार रेट्स हैं उस अगर हम उनके कंपेरिजन में इसको देखें तो केवल यही एक ऐसी रेट है जो राइट देती है टू सीक रिड्रेसल टू एनी इंडिविजुअल अदर देन द एग्रीव्ड पर्सन, मतलब केवल यही एक ऐसी रेट है जो राइट मतलब राइट टू सीक रिड्रेसल की, मतलब उसे रिड्रेसल के लिए उसके पास राइट देती है किसी एक इंडिविजुअल को एक एग्रीव्ड पार्टी के अलावा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जनरल फैक्ट्स इसकी रिट्स की इंडिया में क्या क्या है, कि जैसे आर्टिकल 32 ये भी कहता है कि पार्लियामेंट टू ऑथराइज एनी कोर्ट टू इशू दीज रिट्स, कि मतलब पार्लियामेंट जो है ऑथराइज कर सकता है या पार्लियामेंट ऑथराइज करता है किसी भी कोर्ट को कि वो इस तरीके की रिट्स जो इशू कर सके। 1950 से पहले की अगर हम बात करें तो केवल हाई कोर्ट जो थे कैलकटा बॉम्बे और मद्रास के, उनके पास ही पावर थी इन तरीके की रिट्स इशू करने के लिए। लेकिन अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, आर्टिकल 226 एम्पावर करता है सभी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू इशू द रिट्स, मतलब हर हाई कोर्ट इंडिया का जो हर हाई कोर्ट है उसके पास ये राइट है कि वो इस तरीके की रिट इशू कर सके। और जो रिट्स हमारी इंडिया की जो कि हमने इंग्लिश लॉ से बोरो की हैं वो जहाँ वो कहलाई जाती हैं सीवी रिट के रिट्स। तो ये आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर मतलब कहीं आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर प्रिपेयर करें कि जो पीरियोडिक रिट्स क्या होती हैं, तो मतलब जो रिट्स ऑफ इंडिया क्योंकि बोरोड है फ्रॉम इंग्लिश लॉ आर नोन एज पीरियोडिक रिट्स। ठीक है, सो दैट